Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
का पाठ 13वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 22 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनं एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं अज्ञानं यदुपुण्यथा ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वा विषमश्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्यं न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादन्तः सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावेत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासि सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभेत्यैव निर्गुणं गुणं
भूतितं बहिरन्तस्य भूतानामचरं शरणेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृतज्ञेयं वशिष्णु प्रभवेष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं विधि सर्वस्य वेष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं शोकं समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादिभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव सिद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भूतित्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृतिजान्गुणान् कारणं गुणसंगोच्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्तात् भोक्तामहेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे सन् पुरुषपर उपद्रष्टानुमन्तात् भोक्तामहेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे सन् पुरुषपर वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं Hare Sharanam.
सेवा करने से जो लाभ होता है उस लाभ का त्याग दूसरों के लिए कैसे किया जा सकता है? मानो केवल दूसरे का हित करना है और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, केवल उनका हित करना, केवल अपने मान है, एक बड़ाई है, एक प्रशंसा है, एक आराम है, ये अपने नहीं देना है, केवल उनका हित करना है। उनके हित करने में जो अपना लाभ होता है, अपना लाभ, वो अपना लाभ क्या होगा? अपना लाभ एक सूक्ष्म होता है, बढ़िया त्याग, त्याग लाभ है वह। मानो हमने सेवा कर दी तो परिश्रम किया, तो हमने उद्योग परिश्रम किया है ना, तो हमने आराम का त्याग हुआ, और वस्तु दी तो वस्तु का संबंध भी सिद्ध हुआ, तो त्याग से शांति मिलती है। प्रति पिशाब भी करो तो त्याग करने से शांति मिलती है, तो वो त्याग हुआ है ना, उससे शांति मिलती है। योगा कर्म सु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, योग मानो समता, समता का अर्थ सिद्धेशी विषम होना, सिद्धेशी विषम होना का अर्थ का अपना कोई स्वार्थ का संबंध नहीं किसी तरह का, ना आराम लेना है, ना मान लेना है, ना बढ़ाई लेना है, ना फल लेना है, ना उसकी अनुकूलता चाहना का। हमने सेवा की तो ये भक्त पर हमारा काम आवेगा, ये भी नहीं लाना है कुछ भी, तो कुछ भी न लेना है, इसमें अपना परिश्रम का त्याग हुआ, अपनी वस्तु का त्याग हुआ, और त्याग से शांति होती, ये लाभ हुआ। लाभ कोई उजाए नहीं है, हम जो हानि में फंसे हैं वो लेने की इच्छा से फंसे हैं, तो वो इच्छा का त्याग हो जाएगा। सेवा नहीं करेंगे तो भीतर में इच्छा पड़ी रहेगी, इस वास्ते योग की प्राप्ति में कर्म है वो कारण है। दूसरे की सेवा जो जो सेवा करेंगे क्यों क्यों हमारे में त्याग वृत्ति पैदा होगी, तो हमारे साथ वस्तुओं का क्रियाओं का संबंध विच्छेद होना यही लाभ है। खूब ध्यान दो, लाभ क्या चीज है? हमने जो दूसरी चीजों की इच्छा कर रखी है, संबंध जोड़ रखा, यही हानि करी हमने, ये हानि का क्या हो जाएगा? हानि नहीं होगी। हम चीजों को चाहते रहेंगे तो उसके साथ फंस जाएंगे। अब चाहना मिटे कैसे? दूसरे का हित करने से चाहना शून्यता से मिटती है। ऐसे चाह का त्याग तो करना पड़ेगा, ऐसे ही ऐसे त्याग करने में जरा बैरागी त्याग घना तेज चाहिए, जब जनता का त्याग होगा। दूसरे के हित करने में ढिलाई भी कुछ होती है तो दूसरे के हित के लिए हो जाती है शूरता से। हमने देखा, हमने देखा बात बताओ, जैसे हम भिक्षा लाए तो भिक्षा लाए पाने के लिए, और थोड़ी सी ज्यादा है तो ज्यादा निकाल कर रख दो तो मुझे काम आ जाएगी, दूसरी क्यों करो? तो निकालते हैं तो ठंडी रोटी निकाल देते हैं, जली हुई निकाल देते हैं, कच्ची है वो निकाल देते हैं, जो उनमें अच्छी नहीं है वो निकाल देते हैं, और जो अच्छी अच्छी पा लेते हैं। हमारे बीती की बात बताओ, फिर विचार किया, एक रोटी तो निकाल दी, साग तो नहीं निकाला, साग तो था थोड़ा तो कुछ निकाला नहीं, और ठंडी निकाली तो दूसरी दूसरी काम आ जाती, तो दूसरे कोई परहेज है क्या? ठंडी नहीं खाएगा वो गर्म नहीं, उसको गर्म अच्छी नहीं लग रही क्या? चाहे कहूंगे कुछ लोग तो गर्म बुरी लगती है उसको, सही मन में आई, मन में आई तो ये तो बात बड़ी अन्याय है, क्यों रद्दी रहती क्यों छोड़ो? त्याग तो असली चीज जो सच्ची है अच्छी है उसका त्याग त्याग होता है, नदी का त्याग त्याग थोड़ा एक समय त्याग करते, इस त्याग से कल्याण नहीं होता, तो अच्छी चीज हो त्याग देना। अब वो निरर्थक छोड़ते तो ये बात होती है, और आप आ गए महाराज आ गए तो हाथ बड़े बड़े नहीं देखे, इनके लिए बढ़िया बढ़िया महाराज आ गए तो अच्छी चीज को दो,
साधारण अपने खा लेगी, तो दूसरे के लिए देते समय अस्सी से अस्सी त्याग, चीज का त्याग शून्य से होता है। ऐसे निरर्थक छोड़ने में अस्सी का त्याग नहीं होता, कठिन से होता है, क्योंकि राग भीतर में प्रियता है, वो प्रियता त्याग करने नहीं देती। तो दूसरे के हित करने में छोड़ना है, ये कर्म योग होता है, और बिंद का अपने संबंध विच्छेद करना ये ज्ञान योग होता है। तो ज्ञान योग करना पड़ता है और कर्म योग शुभ पड़ता है, क्योंकि दूसरे का हित करना है। तो दूसरे का हित करने में अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आराम का, वस्तु का जो संबंध विच्छेद होता है, ये लाभ होता है। शंका जी से पूछो आप, यही लाभ है। हानि क्या है? हमारे वस्तुओं में जो राग हुआ है आसक्ति, यही तो हानि हुई है। इसी पर कारण गुण सदा सब योनि जन्म सुख, जन्म में कारण तो राग है, वो राग कैसे मिटे? राग मिटाने का उपाय क्या है? कि दूसरों का हित करना। तो राग मिटा, यही लाभ हुआ हमारे। इस लाभ का भी त्याग हो सकता है? लाभ का त्याग तो हो सकता है, परंतु वो अभी समझ में नहीं आएगा। इसका लाभ क्या होता है कि त्याग है तो त्याग में वस्तु का आराम तो त्याग है, परंतु इनके अपने आप का त्याग कर देना वो त्याग नहीं है। मानो इनके त्याग कर हमारा कल्याण है, वो कल्याण के इच्छा अपने वस्तुओं के त्याग के इच्छा, वो त्याग उसका त्याग नहीं हुआ है। वो त्याग सिद्धों का परिणाम है, साधकों का नहीं है। तो वो आप से आप हो जाएगा। हमारा कल्याण होगा, कल्याण की भी तो इच्छा है एक। संबंध विच्छेद होने से हमारे को लाभ होगा, इस लाभ की इच्छा भी छोड़ देना। तो ये लाभ की इच्छा छोड़ना अभी समझ में नहीं आती। तो अभी बंधन में है हम, अब बंधन नहीं होगा तो वो भी इच्छा नहीं रहेगी। तो त्याग का भी त्याग करना है, त्याग पड़ेगा, अभिमान भी नहीं रखना है। पर वो त्याग करने का अभिमान तो रखना है ही नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं रखना है। तो क्या करें? कि जिसको जो वस्तु देते हो उसी की पांति की है, अपनी नहीं है, ये उस उदाहरण से त्याग, सब त्याग होता है। उसके हिस्से की चीज देते हैं, अपने हिस्से की देते नहीं, अपने हिस्से को काम ले देते हैं। तो उसकी हिस्से की नहीं देते हैं, ये कर्जदार है हम, तो हमारा कर्जा उतरता है। हमने बहादुरी क्या की थी? बेईमानी का त्याग किया, जो अपनी नहीं उसको अपनी माना, तो अपनी नहीं मानने से बेईमानी का त्याग किया। तो बेईमानी का तो कम से कम त्याग होना ही चाहिए, साधक होते त्याग क्या किया? बेईमानी हमने नहीं लेने दी। तो ये बात समझ में नहीं आती। पहले बेईमानी क्या? जन्म नंग धन घर में थे, कोई चीज पास में नहीं, दूसरी चीज तुमने ली है, ये गलती करी है ना, या तुम्हारा अधिकार नहीं, हक ही नहीं है, बिना हक की है। तो किसके हक की इसका पता नहीं, जहाँ आवश्यकता आ जाए और इसकी बात उसको उसी की समझ दे दो, लेकिन मालिक आ जाए, मालिक को दे दो। आपके लेख में ऐसा आया है कि कुछ साधु जा रहे थे, किसी के पैर में चोट लग गई एक साधु के, तो दूसरे साधु ने कहा कि यहाँ डॉक्टर है पास में ही, उनसे आप पट्टी बुलवा लीजिए। उन्होंने ये कहा कि भी उनको पट्टी बांधने में जो तकलीफ होगी वो तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और ये जख्म का जो तकलीफ है वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो उसमें ये चीज उसके लिए ठीक थी, या डॉक्टर मतलब जो काम कर रहा था वो दूसरों के लिए कर रहा था, उसे काम लेना ठीक था, दूसरों के लिए काम कर रहा था, तो दूसरों के लिए जो काम करने में उसको लाभ मिल रहा था, उस लाभ से वो वंचित हो गए फिर, ठीक है। तो उनको उनकी सेवा ले लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? तो मैं दूसरे को लाभ करने की इच्छा तो रहती, घर में आपको विश्वास रहता है ना, हमारे आवश्यकता न रहे, त्याग कर और हमारी आवश्यकता न रहे, हमारे चीज का राग न रहे, तो हम ऐसा कैसे कहें तुम पट्टी बांधते हैं? ऐसा कहने में जो जोर पड़ेगा हमारे को
कहना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, वो पीड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनसे दर्द की पीड़ा कम है। दर्द तो सह देंगे, पर दूसरे को तू मेरा काम कर रहे ये दर्द कैसे सह जाएगा। मैंने अपने काम में लेने की जिस बात है भावना भीतर में, ये तो बहुत बड़ा घाव है, ये घाव नहीं भरेगा, ये घाव तो भर जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन फिर वो डॉक्टर जो है करेगा, मेरी समझ में दूसरे से करेगा, मैं नहीं कराऊंगा दूसरे आदमी करेगा, दूसरे आदमी करे मैं कराऊंगा तो बाधा ही लगेगी ना। मतलब डॉक्टर साहब के भी कर्तव्य में बाधा लगा दी ना उन्होंने, डॉक्टर का जो कर्तव्य था ना, डॉक्टर का सिर्फ बाधा नहीं लगाई, अपने स्वार्थ में बाधा लगानी चाहिए, लगाई है। हम कराएंगे उतने तो उनका समय हमारे में लगेगा, और में नहीं लगेगा ना, उतनी देर जो काम करता उसमें हमने तो बाधा ही लगे हमारे काम करा करके, तो बाधा दी हमने काम कराया, जब काम नहीं कराएंगे तो हमने बाधा नहीं दी। डॉक्टर बैठा ही इसीलिए है, इसलिए बैठा तो उसको पूरे काम रहे वही हरदम ही, डॉक्टर का काम रहे वही है, ये सदा याद रखने की स्वार्थ के लिए हित करना है, ये काम रही को नहीं, हर मरीज कौन चीज इस काम को नहीं है, क्योंकि वो उसमें वो तो होते बनावट है, और अपना स्वार्थ ज्यादा मुख्य तो अपने फंसेंगे उनमें। इस बार मेरी अंगुली की पीड़ा मैं सह सकता हूँ, पर तू मेरी पीड़ा दूर कर दे, ये सारी जाए दूसरे से काम लेना है, दूसरे से दूसरा मेरे काम कर दे, ये इच्छा है कि नहीं। अच्छा ये इच्छा पैदा हुई तो जो इच्छा नहीं रखता है उसकी इच्छा कितनी भारी पड़ती है। स्वामी जी इस हिसाब से ऐसा हो गया, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, जैसे हम अपना यहाँ सत्संग लाभ लेने के लिए आते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई सत्संग लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, स्वामी जी को तकलीफ होती है बोलने में बैठने में करने में कुछ भी, हमारे कारण से उनको कुछ तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो क्या उनको वो तकलीफ नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, परंतु वो तो आप साहब कर रहे हैं, हमारे लिए बैठ रही है, वो तो आप साहब कहते हैं चल रहा चल रही है, क्या हाल हुआ, वो तो कह ही रहे हैं। अगर हम सब नहीं आते तो आप थोड़ी बैठ देते, बहुत रेलगाड़ी में भी होती है, कहते हैं हम नहीं आवे तो आप थोड़ी सुनाओ, रेलगाड़ी में भी प्रार्थना होती है। हाँ हम हमारे सुनाएंगे ही, हम तो कहेंगे ही, तो हमारे कहने का है व्यसन, उसमें आपने सहायता करी और सुनी तब तो हमारी मदद करी है ना, नहीं तो किसको सुना बताओ, अरे सुनाने से लाभ ज्यादा होता है सुनने वालों की अपेक्षा। मेरे हृदय में भाव पैदा होंगे तो हृदय का भाव ही तो शुद्धि करता है, तो आप सुनने वाले होंगे तो भाव पैदा होंगे, सुनने वाले हैं तो भाव कैसे पैदा होंगे, तो मेरे को लाभ ज्यादा होगा उसे, तो आप नहीं सुनते हो तो हम लाभ से वंचित रह जाते ना, हम वास्ते हमारी सेवा होगी। वह माँ भोजन कराती है, भोजन कराने में माँ खुश हो जाती है तो सेवा होगी ना माँ की, इस बात हम बात सुनाते हैं राजी हो जाते हैं तो वो हमारी सेवा होगी, वह सेवा के लिए सुने हम। तो यही सेवा जबरन हम लेते हैं, ऐसा भी लगता है आपकी इच्छा भी नहीं होती है, ऐसे वक्त सेवा जबरन तो नहीं ले रहे हैं ना, जबरन तो जबरन नहीं कर सके नहीं, व्याख्यान जबरन दे ही नहीं सकता, ऐसे बसले पैदा हुए ते ही नहीं, जबरदस्ती आप पकड़ करके जो सुनाओ तो नहीं सुना सकते, हमारे सुनने की इच्छा से पैदा होती है, जबरदस्ती ये नहीं हो सकता, गाय भी राजी होती तो दूध पहुंचती है, दूध आता कहने वाला राजी होता था, बात ही बढ़िया चीज, जबरदस्ती कैसे ले लोगे, जबरदस्ती आपके भाव तेजी के हो जाए तो जबरदस्ती आप ले लोग कहना ही पड़ेगा, वो कह भी रह नहीं सकता, वो सुनाए बिना रह नहीं सकता, कब आपकी सुनने की इच्छा जोरदार होगी तब देव ने पड़ोस जैसी कहा, तब सही में रहने वाला दूध थाम आ जाता है, ऐसे उसके भीतर रहने वाला भाव कहने में आ जाएगा, सुनने वाले की इच्छा जोरदार होगी, हमारी भावना मतलब इस हिसाब से होनी चाहिए फिर, स्वामी जी हमारे को इतनी शिक्षा देते हैं,
हमको ज्ञान मार्ग बताते हैं तो जो हमारे लिए वो कर रहे हैं उनका जो फल उनको अच्छा मिलेगा वो उनको मिलना चाहिए, ये भावना हमारी होनी चाहिए। आपने भावना तो यही होनी चाहिए कि महाराज की सेवा कैसे बने, महाराज की सेवा कैसे बने, हमारे द्वारा सेवा कैसे बने, ये भाव होनी चाहिए। देने की भावना नहीं, लेने में उपकार की भावना चाहिए कि इनकी हमारे ऊपर कृपा ज्यादा होती है तो इनको लाभ कैसे हो, तो लाभ कैसे होगा, अच्छी बात है इनको याद आवे जिस लाभ ज्यादा होगा, तो अच्छी बातों से लाभ ज्यादा होगा तो हमारी उत्कंठा सुनने की होगी तब ना अच्छी बातें पैदा होगी। तो इसे आपके और उनके और तीजे आदमी का सर्व लाभ होगा। वासुदेव कथा प्रश्न आया भागवत में कि पूछने वाला और कहने वाला और सुनने वाला तीनों को लाभ होता है, तीन गुना दिया था। अरे दसवें स्कंध के पहले, हाँ पहले आरम्भ ही खूब पूछो, अरे पूछा करो तो बहुत लाभ होगा। ऐसे पूछने से जो बात लाभ होती है वो ऐसे सुनने से नहीं होती है। हम अपने लाभ के तो लिए तकलीफ आपको देता है ऐसा लगता है कि वो तो कैसा करे, हम अपने लाभ के लिए आपको तकलीफ देते हैं। नहीं हमारा तकलीफ, हमारा तकलीफ मान तो नहीं करना चाहिए। मैं बोलो क्या क्या करते हो ऐसे करते हो तो मान रही हो, हमारे तो उत्साह आता है, हमारे खुराक मिलती है, सुनने वालों से हमें लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। जहां हृदय में बात पैदा हुई फिर मन में आई फिर वाणी में आई और आप कानों पहुंची और आपके विचार में आई स्वयं आश्रम में आई, तो इतनी दूर आने पर भी आपके लाभ हुआ तो जहां पैदा हुई कितना लाभ हुआ उसका। तो वक्ता का जितना लाभ होता है उतना श्रोता को लाभ नहीं होता है। श्रोता तो आवे कभी नहीं आवे, कभी मन लगावे कभी न लगावे, हम मन नहीं लगावे तो चूक जाओ तो कोई कह ही नहीं सकते। अरे हमारे को भी आना ही पड़ेगा, हमारे को तो आप कोई आवे न आवे तो हमारे को तो टाइम पर आना ही पड़ेगा, हमारे लाभ तो होगा ही। तो वो लोग आप लोग आते हो तो हमारा लाभ होगा। दुकानदार के जितना ग्राहक ज्यादा आवे लाभ ज्यादा होता है कि नहीं, इन्हीं भी दुकानदार परिश्रम पड़ेगा, उसके बाद मत जाओ खरीदेंगे। हमारी दुकान ज्यादा चलेगी उतना लाभ ज्यादा होगा, तो ज्यादा चलेगी जब ग्राहक ठीक होगा तो। गन्ने को और संत को ज्यादा पीसोगे तो पूछना यहाँ क्या है, उनकी इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछना। गरी गरी बात पूछ, जैसे मैंने कहा ऐसी बात पूछा करो। ऐसी बात पूछना हम राजी होते हैं, गरी बात पूछने बहुत राजी होते हैं। कहीं कुछ सुनते तो है मेरी बात, समझते भी है। शरीर की तकलीफ जो अपना नहीं बेर हिस्सा है शरीर को, शरीर की तकलीफ जो होती है, शरीर की तकलीफ जो होती है, शरीर की तकलीफ नहीं है, वृद्धावस्था होती है, तकलीफ होती है ना, शरीर की तकलीफ एक एक मन की तकलीफ, दोनों तकलीफ बड़ी कौन सी, मन की प्रसन्नता होती है, शरीर तकलीफ कुछ नहीं थी, मन की प्रसन्नता भीतर की स्वयं की, उस हिसाब से कि कोई उद्देश्य बात है नहीं। अरे बच्चा पैदा होना तकलीफ कम होती है क्या, मन बेटा हुआ है इतने सुचार राजी होती वो तकलीफ कुछ नहीं थी। लड़का हुआ है लड़का तकलीफ क्या चीज है, खूब पूछो, ऐसी पूछो आप मालूम की बात है, खूब पूछो। तो ये बात है ना,
ये वहां की है बद्रीधारण की बात है, तो वो बात सुने मेरे असर पड़ा कि ठीक बात है, ऐसा त्याग बहुत कम देखने में आता है, ऐसा त्याग बहुत कम देखने में आता है। दूसरे को अपने अनुकूल बनाना है, यही तो राग, यही तो बंधन है। अपने अनुकूल दूसरे को बनाना, ये तो बड़ा अन्याय है एक तरह का। अपना काम बन जाए, दूसरे को तकलीफ न बने, तब तो कोई बात नहीं है, पर दूसरे कहना तो ये कह दे तू आ काम कर दे मेरा, आप देखो अच्छे अच्छे संत है, उनका सवाल कभी नहीं होगा उनके कि मेरे काम कर दे तू, आप निग्रह कर देखो उनके आचरणों से। सारा साधारण जितने आचरण होता है ना, उसमें जहां तक मांगते रोटी खाते हैं तो मांगते नहीं। आश्रम में हम लोग जो रहते हैं, दैनिक कार्यक्रम में हमारा जो जीवन होता है, तो हमें भी इस तरह की क्रिया का अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए आपको, भोजन मांगे हम क्यों दे 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 खा लेगा। तो व्यापार आदि कार्यों में हमें तो बहुत सी बातें करनी पड़ती है, तो व्यापार में करनी पड़ेगी, व्यापार के लिए करनी पड़ती है, उसमें समय उस मांग ऐसे ही है, उसी लिए करती बस, अपनी व्यक्तिगत लिए नहीं। विनायक जी हमारे लिए पूछ क्या बना, मेरे भारी लगता है, अरे मेरी क्या मुझे बना दू खा जाए, आशा क्या बना, आज क्या बना पूछे, आजकल पूछने लग गए, कुछ गड़बड़ी आती नहीं स्वास्थ्य के लिए हमको बना दो, परंतु मेरे को कहना लगता है भारी बना दे, वो लगता है आसान सही आदत में स्वभाव में, जो मिल जाए खाने में जो रस आता है वो कैर बनाने में वो रस नहीं आता। आप भी ठीक विचार करोगे आप भी समझ में आएंगे बात, आप कह कर बनाओ अमुक चीज बना दो, अमुक चीज बना दो, वो रस नहीं है, जो बने हाँ बहुत अच्छा ले लो, आप नहीं बोला मत लो, ऐसी वृत्ति तो आप जैसे महापुरुषों की हो सकती है, हम लोगों की। अच्छा हमारे देखिए क्या आपने, आपको पता है कि नहीं, अब बात ऐसी है पर हमारे में है ये बात, आपने देखी है क्या बताओ, आपको जैसे भारी लगता है। अब मैं तो मैंने बात कह दी आज निर्लजता से कह दी, पर तो बात ऐसी है, बात ऐसी है, इसको मतलब आप एकदम निश्चित रूप से कहते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर लागू होती होगी, तभी आप निश्चित रूप से कहते हैं। हाँ निश्चित रूप से कहता हूँ, बात क्या हुई है ये मैं कारण बताऊ, मैं छोटा सा था साधु है छोटी अवस्था में, तो हमारे बड़े गुरु भाई रामदेव जी थे, उन्होंने कहना कि अपन कोई चीज मांगना नहीं, मिल जो खा लेना, तब से बात बैठ गई मेरे, ये बात बैठ गई इधर, कहना भारी लगता है, राव साहब जो अच्छा लगता है, ये बात ऐसी आदत हो गई, ये नाराज होता है कई बार, तो आप पूछ लो ये बैठे अगर तीन में सोया जगाता नहीं, मैसेज चला जाता हूँ पेशाब करने गया नहीं जगाया, तो वो दुख होता है, एक कैसे चले गए, अब तो शरीर में कुछ शक्ति है नहीं, तो गिर जाऊंगा शरीर पर, शक्ति नहीं शरीर में, गिर पड़ूंगा कहीं, तो यहां से पकड़ ले जाते, हमारे कहा क्यों नहीं, तो आपको तो पता नहीं, इनको तो पता नहीं, जानते हैं ना, इस स्वाभाविक दूसरे से नहीं कहना,
मेरे कई कई बातें भोगी हुई है इसमें। बिल्कुल अब क्या उसे इससे जाओ जैसे इस बात अपने काम में ली हुई है। आपने कहा इतनी निश्चित कहते हो हर काम है तो मेरे काम में सही ली हुई बातें हैं। पर क्यों ली? बालक बने मुझे शिक्षा में ली कपड़े कोई मांगनी नहीं। मेरे बड़ा विचित्र असर पड़ा इसका। अभी है वो मेरे पर असर। मेरे को कह दिया कि ये चीज अच्छी नहीं है कुपच है तो रुचि हट जाती है। उससे रुचि हट जाती है मित्र से। अगर पच है रुचि हो जाती है। जैसे बताऊ छीना है मैं क्यों दूध को बिगाड़े दूध बेचो तेरे क्यों बिगाड़े। मेरे भाई जो कहते छीना आपको ठीक है तो सीना अच्छा लगता है नहीं सीना बुरा लगता था क्यों दूध बिगाड़े दूध बेचो तेरे को। अब बिगड़ना मानता था और दूर मुझे पैसा भेज देगा फिर कहते ठीक है और क्यों गई स्वभाव मुझे जरूरी है। स्वाभाविक इस तरह की रुचि धीरे धीरे मन का जो एक प्रकार से निग्रह जैसा हो जाता है तो ये क्या परमार्थिक प्रवृत्ति के में बहुत सहायक हो जाता है। बहुत सहायक। जड़ता की जितनी गुलामी है उतना ही बंधन है। जड़ता को जितना ऊंचा उठ गया वो मुक्ति हो गई। ऐसी बात है भाई मैं तो घर गया ये बनाओ मिक्स रोटी बनाओ कढ़ाई सिरो बनाओ। हाँ तो बनाओ तो ग्रस्त आपको कहना कह सकते हो आप भी नहीं कहो तो उधर से ऊंचा होगा चिंता माँ की हो जाएगी स्त्री की हो जाएगी। आप कहते रहो निश्चिंत रहेंगे तो उनकी चिंता हो जाए ना ये ऊंचा चल जाए आप। मेरे को बहुत ही प्रिय लगी बात हो कि ये जो कह दो कि तू पट्टी बांध दे ये सहा नहीं जाएगा बाजार में इसकी पेड़ जितनी होगी उसके हिसाब ये पेड़ बमूंगे। मैंने एक दिन उदाहरण सुना है ये मेरे मन में तो कई दिन साथी बरसों बात है परंतु सुनने में उदाहरण एक दिन सुना तो बड़ा ही विचित्र लगा कि ये त्याग है वास्तव इसका नाम त्याग है। कितनी विचित्र बात है क्या वहां अच्छा लगा। ये सिद्धांत बहुत अच्छा हम चल रहे हैं वो कैसे थे तू इधर हो जाए क्यों कह हम एक तरफ और चले तू इधर हो जाए क्यों कैसे कैसे कहा जाए दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा देना बहुत अपराध है ना। रसोई बनाने का मन ठीक से नहीं बनावे इन्हें तो कुछ हुआ है ऐसे कर मन नहीं करना चाहिए पहले तो ऐसे पाल लेना चाहिए जो तो बड़ी चीज है त्याग तो वह में ही है पर कहने में कोई दोष नहीं है वही राजी होंगे बेचारी। कभी साग नहीं सीजे कभी रोटी कच्ची राख देवे कभी और बंदा हाँ तो वह कह दे तो वह शिक्षा वास्तव कर दू बड़ी शिक्षा वास्ते कर दो अपने स्वास्थ्य वास्ते नहीं। मैं तो बड़ी कड़ी कड़ी बातें सुनाता हूं व्याख्यान में गालियां देवे जी हूं उसने पर लोग सुनते हैं जितना धनी अधिक है उतना गरीब जी ज्यादा है वो और घाटा भी ज्यादा पड़ता है दरिद्री भी ज्यादा है मांग भी उसकी ज्यादा है तो धनी तो आप कहते हो है दरिद्री कहता हूं नहीं तो बोलो गाली काटता हूँ उसको फिर वो नाराज नहीं होता आकर सुनते हैं
अब मांगने का भी वो दो जमावश्य है राज दान बड़े पुण्य है राज देव ऐसे कर मैं तो नहीं होता था बड़े पुण्य है किधर भी हो मंगता हो रे साधु से जर मांगे भगवान से ही मांगे वृक्षों से ही मांगे मनुष्य से ही मांगे मंगता ही मंगता सर जी मिल जाए भैया मेरे कुत्ता मेरे ये कोई मैंने खोड़ा है बोलो तो गाले काटनी है कि नहीं तुम मांगे सुनना वास्ता आवे सुनना आपका भाव इतना इसलिए चल कुछ भी हो साहब और मार तो काम चला है नारायण 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 राम मार्ग से शुक्ल तृतीया शुक्रवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 1 दिसंबर 1989 को आठी भवन बम्बई में प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम